Bismillahirrahmanirrahim. Today, inshallah, we will talk about ismul fa'il or fa'il. The difference between ismul fa'il or fa'il. These two terms we use in most of the time in Arabic language, ismul fa'il and fa'il. The students get confused why fa'il and why ismul fa'il. So today, inshallah, we will talk about that. इस्मुल फ़ाइल किसको कहते हैं और फ़ाइल किसको कहते हैं. तो आज जो इंशाल्लाह हम क्लास में इस्मुल फ़ाइल और फ़ाइल के दरमियान फ़र्क बयान करेंगे इंशाल्लाह. तो सबसे पहले ये समझें कि फ़ाइल जो है और इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल उसको कहते हैं कि ऐसा इसम जो ख़ास सिफ़त मुशब्बा के एक सिफ़त मुशब्बा के साथ ख़ास हो और वो जो सिफ़त मुशब्बा है वो जो सिफ़त है ठीक है वो इस्मुल फ़ाइल वो उसके साथ ज़ात और सिफ़ात दोनों उसमें मौजूद हों. जैसे इसकी मिसाल है कि हम एक लफ्ज़ यूज़ करें ज़ारिबुन. ये एक लफ्ज़ है, ये अरबिक ग्रामर में यूज़ होता है, ये इसको हम इस्मुल फ़ाइल कहते हैं. तो ज़ारिबुन का मतलब है मारने वाला. अब ये जो मारने वाला है ठीक है, एक शख्स है, एक ज़ात है जो मार रही है ठीक है. वो जो ज़ात है वो मारने वाली ठीक है, वो जो उसका अमल है मारना, ये दोनों इस इस्म के अंदर मौजूद हैं ज़ारिबुन में. ऐसा हम नहीं कह सकते कि ज़ारिबुन मारने वाला ठीक है, मारने वाला तो है लेकिन ज़ात कोई और है, या ये जो फ़ाइल है, जो करने वाला है, जो आमिल है वो कोई और है. नहीं, ज़ारिबुन इसके अंदर जो ज़ात है मारने वाली ठीक है, वो जो अमल कर रहा है और ये जो सिफत है मारना, ये दोनों इसमें अंदर मौजूद हैं. तो इसको हम इस्मुल फ़ाइल कहते हैं. और जो फ़ाइल होता है जो इस्मुल फ़ाइल के अलावा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फ़ाइल कहते हैं, उसके अंदर सिफत मौजूद नहीं होती. जैसे इसकी हम मिसाल दें, दोनों की मिसाल लेते हैं ठीक है. जैसे एक लफ्ज़ है ज़ारिबुन. अब ये जो ज़ारिबुन है ठीक है, ये इस्मुल फ़ाइल है. इस्मुल फ़ाइल इसलिए है कि इसके अंदर जो ज़ात और सिफात दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, यानी मारने जो शख्स जिसने ये अमल किया है वो भी, और जो मारने वाली सिफत दोनों इसके अंदर मौजूद हैं ठीक है. तो इसको हम इस्मुल फ़ाइल कहेंगे. और जो फ़ाइल होता है उसके अंदर वो सिफत नहीं होती ठीक है, ज़ात तो होती है लेकिन वो सिफत उसके अंदर मौजूद नहीं होती. जैसे मैं ये कहूँ ज़ारबा ज़ैदुन. अब ये जो ज़ायद है ये इसको हम फ़ाइल कहते हैं ठीक है. अब ये जो ज़ायद है इसको आप इस्मुल फ़ाइल नहीं कह सकते, क्योंकि ये ज़ायद है, ये ज़ात है, एक शख्स है ठीक है. अब इस ज़ैद शख्स के अंदर वो माना नहीं पाया जा रहा मारने वाला, वो जो मारने वाला माना है ठीक है, वो इस ज़ारबा फ़ेल के अंदर है ठीक है. तो इस्मुल फ़ाइल आप हमेशा उसके लिए यूज़ करोगे कि वो ज़ात और सिफ़ात, वो सिफत ठीक है जो शख्स के साथ आप जिसको ख़ास कर रहे हो, जो सिफत जिसके लिए आप बयान कर रहे हो ठीक है, वो ज़ात और वो सिफत उसके अंदर दोनों बयक वक्त मौजूद हों, तो उसके लिए हम इस्मुल फ़ाइल यूज़ करते हैं. और जो फ़ाइल होता है उसके अंदर ठीक है सिफत मौजूद नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी है. अब ज़ारबा ज़ैदुन, ज़ैदुन फ़ाइल है ठीक है. अब इस ज़ारिबुन को आप फ़ाइल नहीं कह सकते, आप हमेशा जब आप कहेंगे ज़ारिबुन तो आप कहोगे इस्मुल फ़ाइल, और जब आप यह हो कि ज़ारबा ज़ैदुन तो ज़ैद आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस्मुल फ़ाइल, आप कहेंगे कि फ़ाइल, ये इस्मुल फ़ाइल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ ज़ात है, सिफत इसके अंदर जो मारने वाली है वो ज़ैद के अंदर नहीं है ठीक है. वो उसके लिए अलग फ़ेल है, वो ये है ज़ारबा कि ज़ैद ने मारा, ये इस फ़ेल ने हमें बताया. अब ये जो ज़ारिबुन है ये इस्मुल फ़ाइल है, ये हमें बता रहा है कि मारने वाला तो है लेकिन मारने वाला जो है वो इसी ज़ारिबुन के अंदर मौजूद है ठीक है. जो फ़ाइल है, जो इस जो शख्स मार रहा है, जो आमिल है, जो करने वाला है, वो इसी इस्म के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे इस्मुल फ़ाइल. इसके लिए बहुत सारे मिसालें हो सकती हैं, जैसे नासिरुन, हम मिसाल ले लें. अब नासिरुन का मतलब होता है मदद करने वाला. अब जो मदद कर रहा है वो शख्स इस ज़ात, वो जो ज़ात मदद करने वाली है वो उसके अंदर मौजूद है
ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नासिर और मदद करने वाला, मदद तो कर रहा है लेकिन करने वाला कोई और है, नहीं, जो नासिर है वही ये शख्स है जिसको आप कहेंगे हुआ नासिरुन, तो इट्स मीन कि मदद जो हुई है वो उसी शख्स, वो जो जिसका आप बोलोगे नासिरुन, वो जो मदद का जो सिफत है वो उसके अंदर मौजूद है, उसी ने मदद की है। अब ज़रब ज़ैदुन ये फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल नहीं है। फिर एक बहस होती है कि इस्मुल फ़ाइल जो है इसके सिर्फ छः ही सीगे क्यों आते हैं, ठीक है, छः से ज़्यादा सीगे क्यों नहीं आते। तो एक अरबिक ग्रामर में, अरबिक में एक चीज़ होती है असल, एक होती है फ़रा। तो हमेशा असल का कवि होना अपनी फ़रा के ऊपर ये ज़रूरी और लाजमी होता है, ठीक है। अब जैसे ये ज़ारिबुन है, ये फ़रा है, क्योंकि ये ज़ारिबुन जो है ये बनता है मुजारे से, ठीक है। तो अब जो फ़रा हो उसका कमज़ोर होना उसकी असल से ये ज़रूरी है। तो अब जब आपने इसको मुजारे से बनाया, ठीक है, तो अब इसके जब सीगे ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये मुजारे से जब नहीं है, ये जिस फ़ेल से बना है, ठीक है, वो इससे ये जो इस्मुल फ़ाइल है ये उससे कवि हो गया। तो इसके छः सीगे इस वजह से बनते हैं ताकि ये अपनी असल के ऊपर कवि ना हो जाए, असल के ऊपर मजबूत ना हो जाए, इसकी जो असल है वो इस पर हैवी और बरकरार रहे। अब मुजारे के अंदर गैबत का माना भी होता है, बाकी जो माने जो होती हैं, जो सिफात मुजारे के अंदर पाई जाती हैं, जब ये जो इस्मुल फ़ाइल है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, तो द रीज़न बिहाइंड इज़ के ताकि ये अपनी असल पर कवि ना हो जाए। तो इस वजह से इसके जो सिर्फ जो हैं वो छः सीगे आते हैं ताकि ये फ़रा जो है ये अपनी असल पे ऊपर हैवी ना हो। इस वजह से इस्मुल फ़ाइल जो है वो इसके छः सीगे आते हैं, तीन सीगे मुज़क्कर के लिए आते हैं, तीन सीगे मुअन्नस के लिए आते हैं, और ये इस्मुल फ़ाइल है। और फ़ाइल जो है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ात और सिफात, ठीक है, एक चीज़ जो ज़ात है और जो सिफ्त है वो दोनों अलग हों, ठीक है, और करने वाले एक शख्स है जो अमल कर रहा है, ठीक है, और वो जो सिफत है जो अमल वो कर रहा है जिसके साथ जो फ़ाइल के साथ आप खास कर रहे हो वो अलग से आ रही हो, तो हम कहेंगे ये फ़ाइल है और उसकी जो सिफत है वो पीछे ज़रबुन है, ठीक है, ज़रबा है। और इसी तरह कई सीधे आते हैं, ठीक है, ये सर्फ में ये पूरी गिरदान बनती है, हर बाब से बनती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी बाब ले लें, फतह यफ्तह से अब जब आप लेंगे तो उसका जो इस्मुल फ़ाइल बनेगा, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे समझो जितने भी बाब हैं, ठीक है, जब उनसे आप जो जिनकी गिरदान चलती है बनती है, ठीक है, जब आप उससे जो है इस्मुल फ़ाइल यानी जो तशरीफ़ में सर्फ में जब आप सीगा बनाओगे फ़ाइल के लिए तो वो हमेशा इस्मुल फ़ाइल का ही बनेगा, फ़ाइल का सीगा नहीं बनेगा। जैसे हम मिसाल ले लें, ज़रबा से आप बनाएंगे तो अब ज़ारिबुन होगा तो वो इस्मुल फ़ाइल है, नासरा से बनाएंगे तो नासिरुन होगा, वो इस्मुल फ़ाइल है, फातहा से बनेंगे तो फातहा से फातिहुन, ये इस्मुल फ़ाइल है। और जितने भी बाब हैं, जैसे शारिबा है, शारिबा से बनाएंगे शारिबुन, ये इस्मुल फ़ाइल है, ठीक है। तो सिंपल ये हुआ कि जितनी भी गिरदानों से आप इस जो सीगा जो फ़ाइल का सीगा बनाओगे, ठीक है, वो इस्मुल फ़ाइल होगा, फ़ाइल नहीं होगा। तो और जो फ़ाइल के तौर पर आता है उसके अंदर सिफ्त जो है वो जो जो जिस माना जो क्वालिटी आप एक शख्स के अंदर बयान कर रहे हो वो रिलेटेड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो उस वर्ड उस सीगा के अंदर मौजूद नहीं होती। जैसे ये ज़ायद है, ये फ़ाइल है, अब मारना जो है इस ज़ायद के अंदर मौजूद नहीं है, इसके लिए अलग से एक सीगा है, ज़रबा है, इसको हम फ़ाइल कहेंगे। शुक्रिया।